देखिए, पिछले दिन मणिपुर से जो चित्र और तस्वीर हमको देखने को मिला वो सबके दिल को दहला दिया है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री सदन में आकर अपना बयान रखे, शांति की कामना करें, और साथ ही साथ आज मणिपुर के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने विफलताओं के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो उन मासूम बेटियों को बचा नहीं पाए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतने घर जल गए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि कितने मंदिर और चर्च जल गए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, माफ़ी मांगनी चाहिए कि लगभग 5,000 लोगों की, आज हम जानते हैं कि कहीं घर जला है, कहीं मॉब के बीच में जो टकराव है, जो विभाजन हो गया है मणिपुर का, जो पार्टीशन हो गया है मणिपुर का, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सरकार के विफलताओं के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, शायद तब मणिपुर के लोगों को थोड़ा सुकून मिले। शुक्ला जोशी साहब कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, सरकार धोखा देगी, लेकिन विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए। लोकसभा स्पीकर साहब ने भी ये कहा है कि जो ट्वीट करके कि सभी से सहयोग की अपील करी है उन्होंने। देखिए, ये साफ साफ इनसे ये इस प्रकार की बातों से जाहिर होता है कि सरकार भागना चाहती है। पिछले 2.5 महीनों से प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में अपने जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। इसी का हमको ये जो हम समझ सकते हैं प्रहलाद जोशी की बातों से। आखिरी सवाल, आज पहली बैठक है सभी विपक्षी दलों की जो है, जिसको आप लोगों ने नाम भी दिया है इंडिया, तो आज सभी दल इकट्ठा हो रहे हैं सर? देखिए, मुझे बहुत इस नाम जो हमने रखा है सभी दलों ने इंडिया, ये मुझे लगता है शायद यही एक संदेश है आने वाले 2024 के चुनाव को लेके, क्योंकि अगर देश को बचाना है, देश को वापस शांति के रास्ते पे वापस लेके आना है, देश के किसानों को वापस आज उनके उज्जवल भविष्य के लिए अगर हमको काम करना है तो देश को इकट्ठा होना होगा, इंडिया को इकट्ठा होना होगा, भारत को आगे जाना होगा, और एंड में जाके इंडिया की जीत होगी, जीतेगा इंडिया।